जनपद जालौन के कोच में इलाहाबाद बैंक मुख्य शाखा प्रबंधक एस के सिंह ने अपना लोन कराने आई महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए बेइज्जती की। मामला यह है कि कैलिया थाना क्षेत्र के ग्राम बरोदा कला की महिला ज्योति सविता अपने लोन के लिए मुख्य शाखा पहुंची तो मैनेजर ने उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सबके सामने बेइज्जती किया। इस पर महिला ने तत्काल डायल 100 को सूचना दी। मौके पर पहुंची डायल 100 ने पूरा मामला समझा और तहरीर कोच कोतवाली पुलिस को दी। बैंक का मामला था, पैसे लोन का, इलाहाबाद बैंक का। घटना ये घटी है कि हम अपने पैसों के लिए गए थे, उन्होंने बुलाया था हमें मैनेजर सामने, तो हमने कहा हमारा काम हो गया कि नहीं, बोले तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है, तुम तो गलत तरीके से पैसा पैदा करते हो, तुम्हारे पास क्या कमी है, तुम यहाँ रोज कोच में रहती हो जबकि हम अपने गाँव में रहते, कोच में हम कहीं रहते ही नहीं है। और उल्टा सीधा बोले बदतमीज, ऐसे ऐसे कहने लगे बदतमीजी दी। हमने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमने 100 नंबर को फोन लगाया तो कहने लगे हमारे भाई कमिश्नर हम भी हमारा क्या उखाड़ लेंगे। और दुनिया के कहने भारती को ने आपकी शक्ल देख के लोन दे दी होगी, पास कर दी होगी, हम तो नहीं देंगे। मैनेजर साहब हमारे इलाहाबाद बैंक के मुख्य शाखा, क्या नाम है उनका, मैं नहीं यहाँ पता। अभी तक आपको क्या सहायता मिली है पुलिस द्वारा? भी गए हैंगे वहाँ, उनके पास बातचीत करी, लेकिन उसे बदतमीजी से पेश आए, पुलिस वालों से भी बदतमीजी से पेश आए, मीडिया वालों से भी बदतमीजी से पेश आए, तो हम फिर दोबारा थाने आ गए। कुछ कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और इस सूचना पर पत्रकार भी कवरेज के लिए बैंक में पहुंचे तो मैनेजर पत्रकार को देखकर भड़क गया और पत्रकार के साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उल्टा सीधा बोलने लगा। इस पर पत्रकार संगठनों में काफी रोष व्याप्त है। उन्होंने इसकी लिखित शिकायत ज्ञापन के माध्यम से कोच पुलिस क्षेत्राधिकारी नवीन कुमार नायक को दी, जिसके माध्यम से उन्होंने शाखा प्रबंधक पर आरोप लगाया। बैंक शाखा में महिला की शिकायत पर कवरेज करने के लिए गए थे तो मैनेजर मीडिया कर्मी को देखकर भड़क गया और अभद्रता करने लगा। क्षेत्राधिकारी ने कहा आप लोगों ने जो ज्ञापन सौंपा है इसकी जांच कर शाखा प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कानूनी कार्रवाई अवश्य की जाएगी। मैनेजर के द्वारा महिला के साथ अभद्रता और दूसरे मायने में मीडिया के साथ अभद्रता, क्या मामला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए महिला के बारे में अभी एक सूचना प्राप्त हुई है आप लोगों के माध्यम से कि उसके साथ वो बैंक में लोन के लिए गई थी, उसके साथ कुछ बदतमीजी हुई है, बैंक मैनेजर द्वारा ये बताया गया है, इसकी हम जांच करवा रहे हैं, जैसा भी होगा उस अनुसार कार्रवाई कराएंगे। और जहाँ तक मीडिया का प्रश्न है, मीडिया के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, हमारे सामने उन लोगों ने ज्ञापन दिया, ज्ञापन में उन लोगों ने ये बताया कि जब हम लोग कवरेज करने गए तो हमारे साथ भी बैंक मैनेजर द्वारा कुछ इस तरह की कार्रवाई की गई, तो उसका भी मैंने जाँच कोतवाली को भेज दिया है और अंदर 3 दिवस मैंने आख्या मांगी है कि कार्रवाई करके हमें अवगत कराएं। जहां तक महिला के लोन की बात है तो मैं अपनी तरफ से ये वो करता हूं कि अगर नियमानुसार होगा तत्काल लोन पास करा दिया जाएगा, मेरी तरफ से जो भी होगा कार्रवाई मैं उसकी मदद कराऊंगा। लोन पास करने के बाद महिला अगर सहमत नहीं होती है तो क्या मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा? नहीं बिल्कुल, अगर कार्रवाई जांच में क्लियर होगी तो बिल्कुल इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे, मुकदमा पंजीकृत करने में कोई वो हर्ज नहीं है, अगर जांच में आ जाएगा तो मुकदमा तुरंत दर्ज करेंगे। जनपद जालौन से अनुज पाटकर की रिपोर्ट।